प्रिय साथियों, इस तपस्या का काल हमें पश्चाताप का आह्वान देता है। आज का सुसमाचार में बार बार उसी बात को दोहराते हुए प्रभु यीशु हमें यह बताता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। हमारे धार्मिक जीवन में फलदायक बनने के लिए परिवर्तन अनिवार्य है। फलहीन अंजीर का पेड़ का दृष्टांत द्वारा भी प्रभु यही आह्वान हमें देते हैं। हमारे मन परिवर्तन के लिए इंतजार करते हैं, जैसे उस अंजीर का पेड़ को एक और वर्ष दिया गया, हमारे लिए भी पवित्र माँ कलीसिया एक और चालीसा काल दी है। हम पश्चाताप भरे हृदय और परिवर्तित जीवन के द्वारा अच्छा फल उत्पन्न करें। हमारे सुधार के लिए कुछ भी करने के लिए प्रभु तैयार रहता है। जैसे अंजीर का पेड़ के चारों ओर खोदकर खाद देते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के हर परिस्थितियों में अपनी करुणा प्रकट करने के लिए प्रभु तैयार रहते हैं। आइए हम पश्चाताप और मन परिवर्तन द्वारा फलदायक बनें।